नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट गांव में मंगलवार को हुए हिंसा को लेकर देश भर में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में वाराणसी में भी लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका और उनसे इस्तीफे की मांग की है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं वाराणसी की, जहां लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोगों ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट गांव में हुई हिंसा का विरोध जताते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। बुधवार को हिंदू इकोसिस्टम संस्था के लोगों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया है और इस दौरान लोगों ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला भी बोला है। लोगों ने कहा है कि बंगाल में आए दिन होने वाले नरसंहार के लिए पूरा देश ममता बनर्जी को कभी माफ ही नहीं करेगा। वहीं इस दौरान हिंदू इकोसिस्टम के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने कहा, बंगाल में फिर से कश्मीर के अतीत को दोहराने का काम किया जा रहा है। बंगाल में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जो बेहद ही दुखद और निंदनीय है। बंगाल में हुए नरसंहार को पूरा देश देख रहा है और ममता बनर्जी को भी इसका जवाब मिलेगा। आज इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कश्मीर फाइल की जो अतीत है उसको दोहराना चाहते हैं। कश्मीर के अतीत को दोहराने का काम बंगाल कर रहा है और उसकी जो निर्णायक काम उसमें कर रहा है वो ममता बनर्जी कर रही है। ये देश सनातनियों का है और इस देश में कल जैसी घटना घटी है, 12 परिवारों को जिंदा जला दिया गया। आप सोचिए, इंसान का घर जलना ही बड़ी बात है। घर में याद आ गया गोधरा कांड, आपने उनको घर में अंदर डाल के जिंदा जला दिया और ममता बनर्जी अपने चंद वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को बसा रही हैं, आतंकवादियों को बसा रही हैं। तो मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि आपका अंत बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि ये देश सब देख रहा है, हिंदू सब देख रहा है और हिंदुओं का ये नरसंहार जल्द से जल्द होना चाहिए बंद। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, उसकी जांच हो रही है और ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। और उसके बाद भी मैं आपसे कहता हूं कि हिंदू इकोसिस्टम और हिंदुस्तान का एक एक हिंदू ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेगा। आपको बता दें कि बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट गांव में 8 लोगों को जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये नरसंहार बंगाल की राजनीतिक हिंसा की सूची में जुड़ने वाला एक और कांड है। यह घटना टीएमसी पंचायत नेता भादु प्रधान की कथित हत्या के तुरंत बाद हुई है, जिस पर एक दिन पहले अज्ञात हमलावरों ने देसी बम से हमला किया था। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। वहीं इस घटना की केंद्र ने तत्काल रिपोर्ट भी मांगी है। इस मामले में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इस मामले में सरकार और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी के अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है या फिर नहीं। आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।